बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर जो कि आपके लिए गुड न्यूज साबित हो सकती है, आपकी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदल गया है। आपकी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल क्यों बदला है और कब से आपकी परीक्षाएं होंगी, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके परीक्षा का टाइम टेबल बदला, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पंचायत चुनाव। दोस्तों पंचायत चुनाव का जो आरक्षण जारी किया गया था वो गलत हो गया था, जिसलिए 27 मार्च को, पहले 23 मार्च को आरक्षण आना था, लेकिन अब 27 मार्च को आरक्षण आना है पंचायत चुनाव का, जिसके लिए पंचायत चुनाव को होने में 30 से 35 दिन का कम से कम समय लगता है, चुनाव से लेकर मतगणना तक, जिसके लिए 12 मई तक पंचायत चुनाव को खत्म करने का ऐलान किया है निर्वाचन आयोग ने। दोस्तों निर्वाचन आयोग ने यूपी बोर्ड से कहा था कि जो परीक्षाएं हैं यूपी बोर्ड की 24 अप्रैल के बजाय उसके बाद 2 सप्ताह और आगे खिसका दे, क्योंकि 2 सप्ताह जब आगे चली जाएगी बोर्ड परीक्षा तो उनके चुनाव होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यूपी बोर्ड की परीक्षा सही से हो जाएगी। दोस्तों अब बात करें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा कब होगी, तो सीबीएसई की परीक्षा 5 मई से स्टार्ट होती है, उसी तरह यूपी बोर्ड की परीक्षा 4-5 मई से स्टार्ट होगी। दोस्तों यही एक बड़ी खबर यूपी बोर्ड से निकल कर आई थी कि आपकी परीक्षा 24 अप्रैल से नहीं बल्कि मई में होगी, मई के पहले सप्ताह से आपकी परीक्षाएं होगी, मई के पहले सप्ताह यानी 5 मई के बाद आपकी परीक्षाएं होंगी। दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि आपको तैयारी करने का बहुत अधिक समय मिल गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हर टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताई जाती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।